अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द बम्बेसी मुंडे। आप भी कह रहे होंगे कि यार किधर गायब हो गए हैं, नज़र ही नहीं आ रही है, ना हमारे व्लॉग्स आ रहे हैं, ना स्क्रीन में हमारी वीडियोस आ रही हैं। तो बेसिकली जो बिजी स्केड्यूल है ना, उसने तो हमारा रास्ता देख लिया हुआ है। इस वजह से हमें टाइम नहीं मिलता और हम इसलिए ज़्यादा वीडियोज़ आपके सामने नहीं लेके आ पा रहे। बट अब जो सा है, मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक सीरीज़ शेयर करूँगा सऊदीया की, उमरा सीरीज़ के नाम से। उसमें इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना सारा एक्सपीरियंस सऊदी अरब का, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब बुलावा आ जाए बंदे को तो फिर तो बंदा है वहाँ पे पहुँच ही जाता है, जैसे जैसे भी हो जाए। तो इंशाल्लाह हमें बुलावा आया और हम अल्हम्दुलिल्लाह उमरा करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करेंगे। और क्योंकि हमारे लिए भी फ़र्स्ट टाइम है ये चीज़, हम तो देखेंगे, करेंगे भी इंशाल्लाह और आपके साथ भी शेयर करेंगे। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है उमरे का, उनके लिए तो ये नया नहीं होगा इतना, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बड़ा स्पेशल होगा ये। वो ये ख़ुद भी देखें और इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड और फैमिली में। तो चलिए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत 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 पसंद आएगी। तो इसको एंड तक देखिएगा, एपिसोड वाइज इसको इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, खुद भी इंजॉय करें और अपने फ्रेंड और फैमिली में भी इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम। और फाइनली उमरे के लिए रेडी हैं, हम इहराम शरा बांध लिए, जहाज में बैठने वाले हैं बस। तो इंशाल्लाह जल्दी जहाज में बैठ चुके हैं और बस अभी थोड़ी देर में जहाज ऐसे करके उड़ने वाला है। और बड़ी ज़बरदस्त, चेक करें, विंडो सीट मिली है। सी यू सून। इस वक्त हम बादलों से भी ऊपर हैं और इतनी ऊंचाई पे तो वैसे ही बहुत भूख लगती है। तो अब मेरा खाने का भी टाइम है और मैं खाना एंजॉय कर रहा हूँ। ये तो मस्ट है ना फिर। हम सऊदी अरब में एंटर हो चुके हैं और जल्द ही लैंड करने वाले हैं। और ये हम जद्दा रनवे पे लैंड होने वाले हैं और जल्द ही जद्दा एयरपोर्ट में होंगे। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम जद्दा एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट लैंड हो चुके हैं और देखें यहाँ पे तो जहाज़ों की ऐसे लाइन नहीं लगी हुई है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में लैंड हो चुके हैं और जहाज से इस वक्त बाहर आए हैं, बसों की तरफ जा रहे हैं।
तो बाकी का जर्नी आपके साथ इस तरह कंटिन्यू करते हैं, देखते रहें। हम जैसे ही जहाज से उतरे हैं सामने बसेस खड़ी हुई हैं और ये बसेस हमें एयरपोर्ट तक पहुंचाएंगी। ले जी, इनके एयरपोर्ट पे आ गए और चेकिंग चेकिंग चल रही है यहाँ पे, और बस चेकिंग बहुत होती है। अबे यार बड़ी जोर की लगी हुई है बस, जरा पीछे सामान चेक हो रहा है, तो उससे जरा फ्री हो जाए, चिड़िया कहाँ से उड़ाए हैं जाके जरा। अबे अपने एयरपोर्ट जो से हैं वहाँ पे ऐसे लोग हैं जैसे पता नहीं इनके सारा पाकिस्तान वहाँ पे आ गए, और इनके एयरपोर्ट पर चेक करें जरा। लेट्स कंटिन्यू। इस वक्त जद्दा के एयरपोर्ट पे हैं हम और मक्का जा रहे हैं, तो बाकी का आपके साथ वहाँ पे कंटिन्यू करते जाके जर्नी, बाकी आपको थोड़ी सी लुक दिखाते हैं आगे भी। हम अपना सामान वगैरह लगेज वगैरह जो सा है वो चेक करवा के ले आए हैं, और यहाँ पे हम बसेस की तरफ जा रहे हैं जो कि हमें जद्दा एयरपोर्ट से मक्का ले जाएगी। ले जनाब, ये हमारी बस खड़ी है और इसमें चले हैं हम, और इसका दरवाज़ा बंद हो गया है। ओह माय गॉड, अबे दरवाज़ा खोलो हमजा यार, इसका दरवाज़ा तो खुलवा, इसके बटन भी चेंज है सारे। इसमें बैठ जाते हैं? पता नहीं यार, अबे हमें तो बुलाओ अंदर, अबे पूछ ले पहले, कहना हमें कहीं और ले जाए, वापस लाहौर पहुंचे हूँ। हाँ ये खिड़की खुली है यहाँ से, देखिए नहीं ओपन कर रहा, ओपन नहीं कर रहा, वी आर टू मैन। ओके फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और सीट सीट ढूंढते हैं, उसके बाद आपके साथ मिलते हैं दोबारा। ले जी बस में बैठ चुके हैं, ये सीट है। ले दोस्तों हम बस में बैठ चुके हैं और अब हम अपने होटल्स की तरफ जाने के लिए फुल जोरों शोर से तैयार हैं, और ये चेक करें ज़रा, इतना खजूर का दरख्त मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा जितना यहाँ पर लगा हुआ है। इस वक्त नीट एंड क्लीन कंट्री है, अगर आप सबको भी यहाँ पे आना नसीब करे आज उम्र के लिए, बाकी सो ब्यूटीफुल एंड दिलकश सीन है ये, तो इसी तरह आपके साथ बाकी जो सा अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हम अब मक्का जा रहे हैं हरम शरीफ, तो रास्ते में अब ये पहाड़ वगैरह जो से हैं बेशुमार जो से नज़र आ रहे हैं, और जैसे कि आपको पता है सहराई इलाका है, पहाड़ यहाँ पर तो पहाड़ ही पहाड़ होते हैं, और इन्होंने तो ये पहाड़ों को काट कूट के जो से बीच में अपना शहर बना लिया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब पहाड़ ही पहाड़ हैं और यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बड़ा खूबसूरत नज़ारा जो सारा शो होता है ऐसे पहाड़ साइडों पे, और बीच में रोड्स बनाई हुई हैं इन्होंने, तो आपके राइट लेफ्ट दोनों साइड पर पहाड़ हैं, और ये मक्का के रास्ते में ये देखें इन्होंने कितना खूबसूरत यहाँ पे कुरान पाक बनाया हुआ है, माशाल्लाह देखें मेरा कितना खूबसूरत, देखने से कितना कमाल लगा ये। वो देखें क्लॉक टावर हमें नज़र लग गया, माशाल्लाह बस हम पहुँचने ही वाले हैं। ले दोस्तों हमें उतार दिया उन्होंने होटल के बिल्कुल नज़दीक, और हम होटल जा रहे हैं,
वॉक करते हुए, और मैं आपको जरा शेयर करता हूँ जरा क्या सीन है यहाँ का, गलियों का और सड़कों का चेक करने जरा। ये सामने जो था ऑरेंज शर्ट वाला है, ये हमारा सामान लेके जा रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से दिन हुआ है, चेक करें जरा। बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बस होटल जा रहे हैं, वहाँ पे सामान वगैरह रख के उसके बाद हम जाएंगे हरम शरीफ में, उमरा करेंगे और बाल शाल मंडवाएंगे अपने सारे देसी ज़बान में, पाकिस्तानी ज़बान में टिंट करवाएंगे। तो उसके बाद फिर आपके साथ जो है ना बाकी का जर्नी शेयर करते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, स्टे कनेक्टेड। वो असली गुजरा वाला होटल, अच्छा यहाँ पे भी ये चीज़ चल रही है, मतलब लोगों ने हमारे नामों से ना जो से है लाहौरी पाकिस्तानी नामों से होटल और ये इस तरह की शॉप्स खोली ताकि हमें आसानी हो चीज़ें खरीदने में और समझने में। जाए नमाज वगैरह रखे हुए हैं इन्होंने, इनको बेसिकली ऑप्शंस कहते हैं, ऑप्शंस। ये तो मुझे लग रहा है जैसे मैं ना मून मार्केट के बाजार में आ गया हूँ लाहौर के, सिर्फ इस साइड से। ये देखें क्लॉक टावर, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त लग रहा है। तो टाइम हो गया है 7:25 होने वाले हैं। तो चलें होटल पहुंच के फिर बाकी का आपके साथ जर्नी शेयर करते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। ले जनाब हम अपने होटल के कमरे में आ चुके हैं इस वक्त, और थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करके उसके बाद जो है फिर हम हरम शरीफ जाएंगे, वहाँ पे उमरा अदा करेंगे और बाल शाल कटवाएंगे सर, और आपके साथ भी इंशाल्लाह ताला शेयर करवाएंगे सारा। और अल्लाह ताला आप सबको भी यहाँ आने का मौका दे, तो हमारे साथ रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना कहाँ पहुँच चुके हैं, अल्लाह अकबर क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए, और जो जो भी ये इस वक्त देख रहे हैं उन सबको अल्लाह ताला अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और माशाल्लाह इस वक्त हम मुकाम इब्राहिम पे मौजूद हैं, देखें कितना खूबसूरत है। और अब बिल्कुल हम मुकाम इब्राहिम के सामने जो है नवाफिल अदा करेंगे और उसके बाद सफा मरवा के लिए जाएंगे जी। तो माशाल्लाह दोस्तों जो 7 वो माशाल्लाह कंप्लीट कर लिए हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है सफा मरवा की तरफ हम जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी या आप सबको भी जो जो ये देख रहे हैं सबको यहाँ आने की तौफीक अता फरमाए, मेरी दिली दुआ है, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इस कदर खूबसूरत नज़ारा है कि बिलीव करें कि आप जितनी मर्जी देर देखते रहें यहाँ पे खाना कबा को आपका दिल नहीं भरेगा। मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ, माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो खाना कबा को तो देखना भी इबादत है, अल्लाहु अकबर। और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और ये आबे जमजम बढ़ रहे हैं, यहाँ से आबे जमजम पी रहे हैं, और मैंने भी पिया, यकीन करें इतना ठंडा पानी है और क्या लजीज किस्म का टेस्ट है उसका, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये देखें ये सफ़ा की पहाड़ी है, और इन्होंने ये चारों साइड पर इसके शीशे लगा के इसको कवर कर एक बाउंड्री बना दी है ताकि ये निशानदेही रहे कि ये सफ़ा की पहाड़ी है।
तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट सामने मरवा की पहाड़ी है, आपको वो भी दिखाऊंगा मैं। ये अब सफा मरवा की तरफ आए हैं अब, और यहाँ से सफा मरवा स्टार्ट करेंगे। देख रहे हैं जो बुजुर्ग लोग हैं उनको लोग ये व्हील चेयर्स पे लेके जा रहे हैं, तो अल्लाह का नाम लेके हम भी स्टार्ट करते हैं। और ये जो ऊपर ग्रीन लाइट्स आपको नजर आ रही हैं, जितनी भी लेंथ में ये ग्रीन लाइट्स हैं, इतनी ड्यूरेशन में भागना होता है मर्दों को दोनों साइड पे ये ग्रीन लाइट्स हैं, और इतनी ड्यूरेशन में भागना होता है। अभी ये देखिएगा, वो देखें वहाँ से भाग रहे हैं वो सारे, ये देखें जैसे ग्रीन लाइट स्टार्ट हुई हैं सब भागना शुरू कर देते हैं, और मैं भी, क्योंकि बीबी आज जब पानी की तलाश में ऑलमोस्ट इस ड्यूरेशन के बीच में दौड़ती थी सफा से मरवा और मरवा से सफा, कि कोई जानवर तो नहीं हज़रत इस्माईल को कोई नुकसान पहुंचा रहा, और ग्रीन ड्यूरेशन के बीच में भागना होता है और लेडीज़ तेज़ चलती हैं। और अब फिर से हम रुक गए हैं, आराम से चलना शुरू कर दिया, और इस तरह दोबारा उस चक्कर में कंटिन्यू करेंगे सारा। ये मरवा की पहाड़ी है और सेम सफा की तरह यहाँ पे भी इन्होंने ना बाउंड्री लगाई हुई है चारों साइड पर, और ताकि निशान भी ईजीली हो जाए कि ये मरवा की पहाड़ी है। इस वक्त अब हम सफा की तरफ वापस जा रहे हैं, सफा से मरवा गए थे और मरवा से सफा की तरफ वापस जा रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी 7 चक्कर पूरे करने होते हैं, आप सफा से मरवा जाते फिर मरवा से सफा, और आप माशाल्लाह सुभान अल्लाह रश देखें कदर रश है कि लगता है सारी दुनिया यहाँ पे आई हुई है। ले दोस्तों उमरा माशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो एंड में थोड़े से बादशाह काटते हैं वो भी हमने काट लिए, अब हम जा रहे हैं टेंट शेंट करवाने के लिए। ये जो मस्जिद से बाहर आ गए हैं और काफ़ी थकावट हो गई है, और यहाँ पे तो ऐसे है जैसे दिन हुआ है सुबह का टाइम। ले जनाब अब उमरा करके टिंड शिंड करवा के अब हम होटल के अपने रूम में वापस आ चुके हैं, एंड ये रहा हमारा रूम 12-12। किधर से लगना है भाई ये, और ये हम अपने रूम के अंदर एंटर हो चुके हैं। एसी ऑन करके गए थे ताकि कूलिंग हुई हो, हाय हाय बहुत ही चिल हुआ है रूम। ये रहा मेरा बेड, रूम के अंदर आ चुके हैं, चीज़ें यहाँ पे हैं, और अब ज़रा मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ, उसके बाद आपके साथ बाकी का कंटिन्यू करता हूँ।